व्हाइट चिकन बनाने के लिए आधा किलो चिकन लेंगे और उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। और पानी निकालने के बाद मैं 3 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और उसके बाद मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो ये देखो मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल चुकी हूँ। उसके बाद 1 बड़ी चम्मच से मैंने दही ली हूँ और दही ऐड कर दी हूँ उसमें। और उसके बाद मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और उसके बाद नमक भी मैं साथ में डाल दूँगी। तो मैं ये 4 चीज़ लेके इसको थोड़ा मैरिनेट करने के लिए डालती हूँ। और ये मेन चीज़ तो मैं बोली गई, नींबू, नींबू भी मेरे को डालने का और आधा से 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और उसके बाद 2 मीडियम साइज़ का मैंने कांदा ली हूँ, कांदे को फिर मैंने पेस्ट बना ली हूँ। और पेस्ट बनाने के बाद मैं कुछ पतीले में थोड़े ठीक ठाक ऑयल ली हूँ, ऑयल में तेज़पत्ता और छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 छोटे छोटे दालचीनी का टुकड़ा मैं ऐड कर दी हूँ इसमें। खुशबू आने तक थोड़ा सा रखेंगे। उसके बाद वही मैं कांदा जो पेस्ट बना चुकी हूँ उसको ऐड कर डालूँगी। तो इसको थोड़ी देर तक पकाने का है, ब्राउन तो नहीं करने का है, बस थोड़ा सा ऐसा पकाना है जो पक जाए। उसके बाद ये पेस्ट बनाऊँगी, धनिया पत्ता और मिर्ची का पेस्ट बनाऊँगी। और थोड़ा ये पकने के बाद, कांदा पकने के बाद मैं थोड़ा पेस्ट अपने हिसाब से ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं कर रही मैं, मेरे को ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। अगर आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो उसके बाद मैं साथ में थोड़ा नमक डाल दूँगी क्योंकि मैं चिकन में भी ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा ही नमक ऐड कर रही हूँ। और फिर भुनने के बाद मैं चिकन रख रही हूँ, मैं एक हाथ से नहीं जम रहा तो मैं दूसरे दोनों हाथ से रख के फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने चिकन पूरा ऐड कर दिया है, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो वो जल जाएगा, इसका पानी नहीं छूट पाएगा। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो इसकी पानी जो छूटेगा ना इसके अंदर से, चिकन के अंदर से, उसी पानी में ये पक जाएगा, अलग से ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसी पानी में पकाने वाली हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ जब तक मैं काजू को पीस के ले लेती हूँ। तो मैं कुछ काजू रखी थी तो पीस के लिए ली। देखो ये पक रहा है, अभी पूरा पका नहीं, अच्छे से पकता है तो मैं बताती हूँ। देखो ये एकदम अच्छे से पक चुका है, अब इसमें मैं काजू ऐड कर दी हूँ। तो काजू ऐड करने के बाद फिर मैं काजू को भी थोड़ी देर तक पकाऊँगी। तो मैं फिर थोड़ी देर पकाने के बाद मैं फिर आपको बताऊँगी। देखो इसको अच्छे से मिक्स कर देना, इसको भी स्लो आँच पकाना, नहीं तो काजू चिपक जाता है, तो काजू उसमें पतीले में चिपक जाएगा। ये देखो काजू ने भी ऑयल छोड़ दिया, थोड़ी देर पकाने के बाद ऐसे हो जाते हैं। तो ये काजू ने भी थोड़े अपने ऑयल छोड़ने लगे हैं। उसके बाद ये देखो कितने अच्छे कलर आ गए, ऑयल भी निकल गया। काजू डालने के बाद थोड़ी देर पकेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये देखो कितने प्यारे दिखते हैं। उसके बाद मैं थोड़े से पतीले को गर्म करती हूँ, उसमें कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सौता करती हूँ, नहीं तो हाई फ्लेम पर ऐसा डालेंगे। गैस फ्लेम बंद करने के बाद उसमें कसूरी मेथी डालती हूँ। फिर मैंने देखो चिकन में ऐड कर दिया, इससे अच्छी खुशबू आने लगती है। तो इसलिए कच्चा भी डाल सकते कसूरी मेथी, लेकिन मैंने थोड़ा इसको ऐसा गर्म पतीले में ऐसा थोड़ी देर छोड़ के फिर मैं डालती हूँ। और उसके बाद देखो मैंने सब कुछ हो गया। अब मैं घर की क्रीम ली हूँ और घर की क्रीम मैं ऐड करी हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड अमूल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर की क्रीम थी तो मैं घर की क्रीम यूज़ की हूँ। और ये देखो मैं थोड़े से अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद ये देखो वैसे पक के रेडी है, थोड़ी देर मैं छोड़ूंगी उसके बाद मैं आपको शर्व करके बताती हूँ। माशाल्लाह इतने अच्छे रेडी हो गए हैं देखो।